आम आदमी पार्टी के पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आओ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने साइंस कॉलेज मैदान रायपुर से विजय यात्रा की शुरुआत की। विजय यात्रा पूरे राज्य में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से हजारों की संख्या में विजय यात्रा में पहुंचे थे। यहां अंतागढ़ विधानसभा से भी सैकड़ों कार्यकर्ता विजय यात्रा में भारी उत्साह और जोश के साथ पहुंचे थे। विजय यात्रा रायपुर नगर भ्रमण के साथ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बदली पंजाब बदला अब बारी छत्तीसगढ़ की नाराओं के साथ गूंज उठा था। कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ भारी गर्मी में जीत के उत्साह के साथ बाइक रैली पद यात्रा कार रैली करते हुए चल रहे थे। यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के साथ बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा भी उपस्थित थे। यात्रा में प्रदेश पदाधिकारी सहित प्रदेश भर के पदाधिकारी यात्रा में थे शामिल। संतराम सलाम ने बताया कि विजय यात्रा के पश्चात प्रदेश प्रभारी गोपाल राय से मुलाकात कर संगठन सहित आगामी रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। गोपाल राय ने कई अहम निर्देश विधानसभा संगठन सहित आगामी चुनाव को लेकर दिए। जनता के हर मुद्दों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ने की बात कही। अंतागढ़ विधानसभा के अंदर मजबूत बूथ कमेटी बनाने और सदस्यता अभियान को तेज करने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पंजाब जीत के बाद बेहद जोश व उत्साह से काम करने को तैयार है। आज गांव-गांव से सैकड़ों लोग जुड़कर काम करना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है छत्तीसगढ़ में भी 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पखांजुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।